हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। इस तरह से अभी बाथरूम की सेटिंग है। जब हम कनाडा आए थे जनवरी में, तब मैंने बाथरूम को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन आज मैं बाथरूम को रीऑर्गेनाइज कर रही हूँ और डेकोरेट कर रही हूँ कुछ नए प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनाइजर से जो मैंने अमेजोन और वॉलमार्ट से ख़रीदे हैं। काउंटर टॉप को सबसे पहले खाली करके मैंने साफ़ किया है। मिरर, सिंक और काउंटर टॉप, ऑल पर्पज़ क्लीनिंग स्प्रे और माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। यहाँ बाथरूम फ्लोर पे कोई भी ड्रेनेज वेंट नहीं है एक्सेप्ट बाथिंग एरिया के, तो साफ़ करना थोड़ा सा यहाँ पर पानी से मुश्किल है और साफ़ करते वक्त थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि फ्लोर पे पानी ना गिर जाए, अदरवाइज साफ़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है फ्लोर। बाथरूम फ्लोर को एक दो दिन में मैं वैक्यूम करके मॉप कर देती हूँ। मॉप मैंने बाथरूम के लिए अलग ले रखा है। बाथरूम क्लीनिंग सप्लाइज सब अलग हैं और ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ जिनसे भी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ बाथरूम की, ये सेपरेट मैंने रखे हैं। ये क्लीनिंग क्लॉथ्स बाकी घर की डस्टिंग और क्लीनिंग के लिए मैं नहीं यूज़ करती हूँ। ये कॉर्नर ऑर्गेनाइज़र मैंने ख़रीदा है अमेजोन से। बहुत ही स्मार्ट और क्यूट लुक है इसकी। वाइट और गोल्ड कलर में है। स्टील और टफ प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन है। किचन काउंटर टॉप पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बाथरूम में परफेक्टली इस कॉर्नर पर फिट हो गया है। सभी स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैंने इस शेल्फ ऑर्गेनाइज़र पे रखे हैं। लुक और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस ऑर्गेनाइज़र की और काफ़ी टाइडी लुक हो गई है काउंटर टॉप की इस ऑर्गेनाइज़र से, और स्पेस भी काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ हुई है। काउंटर टॉप के दूसरे साइड को डेकोरेट किया है मैंने एक वुडन ट्रे और आर्टिफिशियल पॉटेड प्लांट से, और अब लिक्विड हैंड सोप को शिफ्ट किया है मैंने इस ग्लास डिस्पेंसर में। और ये वुडन ट्रे मैंने खरीदी है अमेजोन से, और इस तरह की सेम ट्रे मैंने किचन सिंक पर भी यूज़ की है लिक्विड डिश और हैंड सोप को अरेंज करने के लिए। घर में इस तरह की स्पेस मुझे काफ़ी पसंद आती है जो क्लीन हो, ऑर्गेनाइज और डेकोरेटेड भी हो, इसलिए मैं कोई भी स्पेस घर में कोशिश करती हूँ ऑर्गेनाइज करते वक्त की वो डेकोरेटेड भी हो, तो इस तरह के छोटे मोटे एलिमेंट्स मैं ऐड करती रहती हूँ। अवीनो प्रोडक्ट्स मैंने यहीं पर आकर यूज़ करना स्टार्ट किया है। कैनेडियन या फिर अमेरिकन ये ब्रांड है और ज़्यादा प्राइसी भी नहीं है, बट बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके। स्पेशली फेस मॉइस्चराइज़र और फेस स्क्रब, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स मेरी स्किन को काफ़ी अच्छे से सूट कर गए हैं। ओलाप्लेक्स शैम्पू और हेयर मास्क ये मेरी बेटी एंजल यूज़ कर रही है 2-3 महीनों से। जब हम कनाडा आए थे तो हेयर फॉल मेरी बेटी का स्टार्ट हो गया था, बट अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है ये शैम्पू और मास्क यूज़ करके। और ये ऑर्डिनरी फेस सीरम मैं यूज़ करती हूँ, और दोनों ही प्रोडक्ट्स मैंने सेफोरा से ख़रीदे हैं, बट अमेजोन पर भी ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ये क्रैलिक ग्लासेस मैंने खरीदे हैं वॉलमार्ट से। $2 के अराउंड एक ग्लास है, ऐसे 2 ग्लासेस मैंने खरीदे हैं। सेरामिक ब्रश होल्डर्स काफ़ी महंगे थे तो मैंने ये ग्लासेस ही खरीदे हैं ब्रशेस और टूथपेस्ट रखने को। मेरा छोटा भाई भी हमारे साथ ही रह रहा है, इसलिए 2 ग्लासेस मैंने यूज़ किए हैं सेपरेटली ब्रशेज और टूथपेस्ट को रखने के लिए। ये इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश है, एंजल इसे यूज़ करती है। अगारो ब्रांड से है, इंडिया से मैंने इसे खरीदा था। काफ़ी अच्छा ये टूथब्रश है। रिचार्जेबल बैटरी है, अप टू 25 डेज तक बैकअप रहता है बैटरी का, और 7 डिफरेंट ब्रश हेड्स हैं। इसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ये सिलिकॉन ट्रे यूज़ की है मैंने कुछ प्रोडक्ट्स रखने के लिए। बेस्ट ऑप्शन है किचन और बाथरूम सिंक को ऑर्गेनाइज करने के लिए। क्लीन करना भी इन्हें काफ़ी इजी है। बाथरूम काउंटर टॉप को क्लीन और ऑर्गेनाइज करने के बाद बाथरूम एरिया को मैंने ऑर्गेनाइज किया है। ये कॉर्नर शेल्फ पहले से ही मैंने यहाँ पर लगाई हुई थी, और अब थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पर मुझे अरेंज करनी है। लूफर्स को वॉल पे हैंग करने के लिए कमांड हुक्स मैंने यूज़ की हैं। बहुत ईजी है इन्हें इंस्टॉल करना। हुक के बैक साइड से ये स्टिकर रिमूव करके बहुत ही आसानी से पेस्ट कर सकते हैं वॉल पे, और किसी भी ग्रॉसरी स्टोर और अमेजोन पे भी ये हुक्स अवेलेबल हैं।
बाथरूम रग्स का ये सेट मैंने खरीदा है वॉलमार्ट से। सॉफ्ट और वाटर एब्जॉर्बेंट ये रग्स हैं और फ्लोर को क्लीन और ड्राई रखने में काफी हेल्पफुल हैं। सबसे लास्ट में मैंने इस कैबिनेट को ऑर्गेनाइज किया है और इस स्पेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये शेल्फ ऑर्गेनाइजर्स मैंने खरीदे हैं अमेजोन से। एक सेट में दो ये शेल्फ ऑर्गेनाइजर्स हैं और सेम ऑर्गेनाइजर्स मैंने यूज़ किए हैं किचन कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जहाँ पर सभी क्लीनिंग सप्लाईज को मैंने स्टोर किया है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इन शेल्फ ऑर्गेनाइजर्स की और ऑर्गेनाइजर से किसी भी स्पेस को और या फिर प्रोडक्ट्स को मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है और स्पेस ज़्यादा टाइडी और ऑर्गेनाइज रहती है। और ये सारे ऑर्गेनाइजर्स या प्रोडक्ट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट हैं, काफ़ी लंबे समय तक इन्हें यूज़ कर सकते हैं। एक ही शेल्फ ऑर्गेनाइजर मैंने यहाँ पर अभी यूज़ किया है, दूसरा शेल्फ ऑर्गेनाइजर मैं वार्डरोब में यूज़ करूँगी सभी मेडिकल सप्लाईज को रखने के लिए। मल्टीपल यूज़ है इनका और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन्हें किसी भी स्पेस में यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने एक्स्ट्रा शैम्पू साबुन वगैरह रखे हैं, क्लीनिंग सप्लाईज के साथ साथ सरप्लस टॉयलेट्रीज भी स्टोर कर सकते हैं। स्लाइडिंग शेल्फ और भी इजी बना देता है प्रोडक्ट्स को निकालना। जब तक मैं ये सारे प्रोडक्ट्स इस रैक पर अरेंज कर रही थी, मेरे हस्बैंड ने सारा कैबिनेट अच्छे से साफ कर लिया था, काफ़ी काम मेरा ईजी हो गया था इस हेल्प से। ये शेल्फ रैक भी मैंने कैबिनेट में यूज़ किया है। डोर मैट भी फाइनली मैंने बिछा दिया है और डेली रूटीन में जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो सब मैंने बाथरूम में अरेंज कर दी हैं। ऑलमोस्ट सभी बाथरूम एसेंशियल्स काउंटर टॉप पे मैंने रख दिए हैं और जो भी एक्स्ट्रा सप्लाईज हैं वो मैंने कैबिनेट में रख दी हैं और कोशिश की है सभी बाथरूम के एरियाज़ को अच्छे से यूटिलाइज करने की और बहुत ही नीट और क्लीन अभी लग रहा है बाथरूम पहले से ज़्यादा। एंजल ने ये क्रॉक पिन्स ऑर्डर किए थे शीन से जो अभी डिलीवर हुए थे, तो एंजल अपने क्रॉक्स को डेकोरेट कर रही थी इन पिन्स के साथ। इन पिन्स से काफ़ी सुंदर लग रहे हैं क्रॉक्स, काफ़ी सारे पिन्स आए थे, कुछ ही पिन्स एंजल ने यूज़ किए इन क्रॉक्स को डेकोरेट करने के लिए। समर्स में शाम के टाइम यहाँ पर घूमना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अभी हो गई है और इस तरह की ट्रेल्स बहुत सारी हैं यहाँ पर, डिफरेंट पार्क्स हैं जहाँ पर नेचर वॉक इंजॉय कर सकते हैं। और जब हम जनवरी में यहाँ पर आए थे पूरी सिटी बर्फ़ से ढकी हुई थी, वाइट सिटी पूरी लगती थी बर्फ़ की वजह से, बट अभी पूरा ये कन्वर्ट हो गया है ग्रीन कलर में और पार्क्स भी इस टाइम पे फुल होते हैं बच्चों और बड़ों से। और सनसेट भी यहाँ पर 9 बजे के अराउंड होता है तो उजाला काफ़ी देर तक रहता है और सबसे अच्छी बात है कि घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, घर के अराउंड ही इतनी ग्रीनरी है और लिटरली यहाँ पर नेचर वॉक वाली फील आती है। आई होप आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आज का मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।